अस्सलामुअलैकुम, आज आपके लिए जो है एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर आए हैं कि आप कैपकट के ऊपर लिरिक्स एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि एक खूबसूरत अमेजिंग स्टाइल में जो है ग्लोइंग इफेक्ट के साथ आपको लिरिक्स नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और कैपकट ऐप को करते हैं ओपन। कैपकट ओपन करने के बाद हमने न्यू प्रोजेक्ट में आना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद फोटो कैप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से एल्बम को सिलेक्ट करके जहां पर भी हमारे पास फोटोज हो वहां से जो हमने फोटो सिलेक्ट करने हैं उस फोल्डर को ओपन करके अपने फोटोज को सिलेक्ट करके ले आना है। तो यहां से हम अपने कुछ फोटोज सिलेक्ट कर लेते हैं। इन फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे। फोटोज को ऐड करने के बाद इन ऑप्शन में ये जो नीचे ऑप्शन है इन ऑप्शन में आ गया है। आगे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नजर आएगा, फॉर्मेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहां से आपने वो वाला स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है जिस साइज में आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये है 9:16, ठीक है, टिकटॉक वाला साइज है, ये यूट्यूब वाला साइज है। आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। हम अभी इसी वक्त जो है ना जो फोटो का साइज है वही रखते हैं। उसके बाद यहां से आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद आपने अपने तमाम फोटोज को चेक कर लेना है। अगर कोई फोटो जो है अपनी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट ना हो तो उसे करना है एडजस्ट। उसके लिए आपने फोटो को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से जूम करके कर लेना है एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद लास्ट में है कैपकट का वाटरमार्क, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद हम वीडियो के स्टार्ट में आते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आने के बाद यहां पे हमने जो है एक ब्लैक पेज को सिलेक्ट करना है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओवरले का ऑप्शन है, ओवरले के ऑप्शन में आना है, एड ओवरले में आना है और जहां पर वो आपके पास हो वहां से सिलेक्ट करके ले आना है। तो यहां पे हम सिलेक्ट करके ले आते हैं। ये देखें, ये एक ब्लैक है, हम सिलेक्ट करके ले हैं। अब इसे हमने दो फिंगर के साथ कुछ इस तरीके से करना है जूम और नीचे कर लेना है यहाँ पर एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है और पूरी वीडियो के ऊपर जो है ना कर लेना है एडजस्ट। तो हम यहाँ पे पूरी वीडियो के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद वीडियो के स्टार्ट में आएंगे। वीडियो के स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पर जो है हमने लिरिक्स को ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए हम ऐड ओवरले में आएंगे, यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जहां पर हमारे पास वो होगा वहां से हम सिलेक्ट करके ले आएंगे। तो यहां से हम सिलेक्ट करके ले आते हैं, ठीक है। ये देखें, एक लिरिक्स वीडियो है जो हम सिलेक्ट करके ले आए हैं। अच्छा, इस तरह के आप लिरिक्स वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको बता दें। आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है और वहां पे जो है ना आपने सर्च करना है ब्लैक स्क्रीन सॉन्ग लिरिक्स स्टेटस, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद आपने इन्हें कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करके ले आएंगे। अब इन्हें आपने कर लेना है नीचे एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद इसका साइज आप बड़ा छोटा जितना रखना वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। हम कुछ इधर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये है सप्लाइज का ऑप्शन, आपने सप्लाइज के ऑप्शन में आना है। सप्लाइज के ऑप्शन में आने के बाद इन ऑप्शन में आगे आना है, आगे आपको लाइटन नजर आ रहा है तो आपने यहां से कर देना है लाइटन। लाइटन करते ही इसका ब्लैक पेज पीछे से खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां से हम ओके करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद अब हमने क्या करना है, वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है। वीडियो के स्टार्ट में आने के बाद यहां पे हम फिर ऐड वाले में आएंगे। ऐड वाले में आने के बाद ये एक और वीडियो है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके कर लेंगे ऐड। ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करके ले आना है। अब आपने इसे सिलेक्ट करके सप्लाइज के ऑप्शन में आना है, फिर इन ऑप्शन में आगे आके इसे भी कर देना है आपने लाइटन। लाइटन करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम वीडियो के आगे आते हैं। देखें, ये जो है हमारी वीडियो जो है संभाल है 10 सेकंड की और वीडियो ज्यादा बड़ी बन रही है तो हम इसे सिलेक्ट रखेंगे। इन ऑप्शन में आ जाएंगे आगे। आगे आपने यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करते ही ये आगे आपकी पूरी वीडियो के ऊपर आ जाएगा। आप देखें, यहाँ पर अगर आप चाहें तो और फोटोज भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिरिक्स के मुताबिक। अगर आप फोटोज ज्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वीडियो आपकी छोटी बने, तो उसके लिए आप इन्हें यहाँ से सिलेक्ट करके जो है ना सिपलेट करेंगे और बकिया हिस्से को यहाँ से कर देंगे डिलीट। ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, सिपलेट करेंगे और कर देंगे डिलीट। अब जो है हमारी वीडियो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुकी है, जो एक इजी तरीके से हम लिरिक्स वीडियो एडिट कर सकते हैं अपनी कैपकट ऐप पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लास्ट में हमने इसे सेव करना होता है तो ऊपर ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को कर लेंगे सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।